प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र बयान दिए, जिससे विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद से मालदीव की टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को खतरा उत्पन्न हो गया है। सोशल मीडिया के टिप्पणियों से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनयिक रूप ले चुका है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और यहाँ की कुछ आकर्षक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इस मामले को ज्यादा बढ़ते देख मालदीव की गवर्नमेंट ने इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और उधर भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। इसी विवाद के बीच कई भारतीयों ने अपने मालदीव घूमने जाने की योजना रद्द कर दी। यहाँ के विपक्षी नेताओं के आए बयान बताते हैं कि मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों से देश के इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाली टूरिज्म मार्केट को दांव पर लगा दिया गया है। बात भारत और मालदीव के विवाद की हो और ऑपरेशन कैक्टस की बात ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, भारत ने कैसे मालदीव के गवर्नमेंट को तख्ता पलट होने से बचाया। इंडियन ओशन में बीच के लिए मशहूर मालदीव की नींद गोलियों की आवाज से उस दिन खुली। माले की सड़कों पर नकाबपोश हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे, उनके हाथों में थे अत्याधुनिक हथियार। कुछ ही समय में माले से दुनिया भर में फोन जाने लगे। उनमें से एक नंबर घुमाया गया था भारत के लिए, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में मालदीव डेस्क के पास इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास था। कुछ ही देर में राजधानी हरकत में आ गई, मालदीव संकट में था। दरअसल उस वक्त मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी और तारीख थी 3 नवंबर 1988। मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आजादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने 850 साल पुरानी राजशाही शासन का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुना था। इब्राहिम नसीर पहले राष्ट्रपति बने, हालांकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नसीर को यह जिम्मेदारी दी थी वो टूटने लगी। राजनीतिक विवाद और फिर आर्थिक मसलों ने इतना बड़ा रूप लिया कि नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। इसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने मामून अब्दुल गयूम। नसीर देश से चले गए थे और उनका यहाँ पर कब्जे का सपना भी नहीं रह गया था। गयूम ने 1978 में गद्दी संभाली। इसके 2 साल बाद ही उनका तख्ता पलट करने की असफल कोशिश हुई। 1983 में विद्रोही एक बार फिर खड़े हुए लेकिन नाकाम रहे। लेकिन 5 साल बाद विद्रोही पूरी तैयारी से आए। इसके पीछे 2 किरदार प्रमुख थे। पहला श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE के नेता माहेश्वरन और एक कारोबारी अब्दुल्ला लतूफी। लतूफी जो था वो इब्राहिम नसीर का पुराना सहयोगी था, जबकि माहेश्वरन एक समय लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरन का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। लतूफी मालदीव का ही नागरिक था और श्रीलंका में कारोबार करता था। लतूफी और माहेश्वरन को क्या लालच दिया गया था, इसे लेकर कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लतूफी को उग्रवादियों ने राष्ट्रपति बनने का लालच दिया था, बदले में उग्रवादियों को मिलता पूरा देश जहां वे ड्रग्स गोल्ड्स और हथियारों का धंधा कर सकते थे। यह भी बताया जाता है कि माहेश्वरन को मोटी रकम ऑफर हुई थी, साथ ही उसे हथियारों की तस्करी के लिए सुरक्षित रास्ता मिल जाता। 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले 1 तारीख को लतूफी और हथियारबंद उग्रवादियों ने मछली पकड़ने वाली 2 बोट का अपहरण कर लिया। इसी पर सवार होकर वे माले की ओर चल पड़े। वहां पर ये 3 नवंबर को तड़के पर्यटक के रूप में पहुंचे और इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर 2 तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और टेली कम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा, दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। इंडियन आर्मी में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके और लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर विनोद भाटिया ने बताया कि उग्रवादी सीधे NSS के हेडक्वार्टर जाधम के, तब यही मालदीव की मुख्य सुरक्षा एजेंसी थी। राष्ट्रपति गयूम तक जैसे ही खतरे की आहट पहुंची वो एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कहा कि वे मदद करने की हालत में नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सीधे दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत यह खबर सुनते ही तैयार हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपने गृह मंत्री पी चिदंबरम को NSG भेजने को कहा। उनके सहयोगियों ने फीड दिया कि इस ऑपरेशन में वायुसेना की जरूरत पड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल VN सिंह ने PM को भरोसा दिलाया कि इस ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। आगरा में तैनात 50 पैरा ब्रिगेड को यह जिम्मेदारी दी गई। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियन थी, 3, 6 और 7 पैरा।
उन्होंने 6 पैरा को लीड बटालियन के रूप में चुना और 3 पैरा को बैकअप के रूप में। भारतीय सेना को पहली बार ऐसा टास्क मिला था। उसे ऑपरेशन की तैयारी के साथ मालदीव के बारे में पूरी जानकारी भी जुटानी थी। संयोग से मालदीव में राजदूत रहे AK बनर्जी उस समय दिल्ली में थे। वो शाम 4 बजे तक आगरा पहुंच गए। अभियान की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन उनके पास मालदीव का मैप नहीं था। एक कॉफी टेबल बुक, कुछ टूरिस्ट मैप से जानकारी जुटाई गई। पहले प्लान बना कि प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग की जाएगी, यानी जवान कूदेंगे। 50 पैरा के एक पूर्व कमांडर से इसके बारे में जानकारी मांगी गई और उन्होंने इस प्लान को तुरंत ही खारिज कर दिया। और इसकी वजह यह थी कि मालदीव में आइलैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं। पैरा ड्रॉपिंग करने पर हवा जवानों को लक्ष्य से कहीं भी दूर ले जा सकती थी। ये तय किया गया कि वहां पर लैंड कराया जाएगा। कुछ ही घंटों में 2 विमान मालदीव के लिए उड़ पड़े। जवानों ने खुले आसमान के नीचे हिंद महासागर में झांका। साफ पानी में कोरल रीफ्स किसी कैक्टस की तरह नजर आ रहे थे। यही नाम से आया था ऑपरेशन कैक्टस। उस 5 घंटे की यात्रा में ही ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई। जवानों के पास 70-80 पैराशूट थे। प्लानिंग थी कि जरूरत पड़ने पर पहले पैरा ट्रूपर्स जाएंगे, एयरपोर्ट कैप्चर करेंगे, इसके बाद विमान उतारा जाएगा। किस्मत से हुलुले एयरपोर्ट उग्रवादियों के कब्जे में नहीं था। भारतीय विमान को यहां लैंड करने तक रात हो चुकी थी। 2 टीम बनाई गई, एक को एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना था जबकि दूसरे को माली को आजाद कराना था और मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित लाना था। लोकल बोट्स में सवार होकर भारतीय जवान निकल पड़े। माले पहुंची टीम भी 2 हिस्सों में बट गई थी, एक निकली राष्ट्रपति की तलाश में और दूसरी उग्रवादियों की तलाश में। आधी रात तक माले का मुख्य तट सिक्योर हो चुका था। भारतीय जवान सावधानी से एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर तो उनका उग्रवादियों से सामना भी हुआ, जिसमें जवानों को जीत मिली। रात 2:15 बजे एक टीम राष्ट्रपति तक पहुंच गई और इसके 2 घंटे बाद यानी 4 नवंबर की सुबह 4:15 बजे ये खबर PM राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई। उग्रवादियों को जब लगा कि वे भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने एक जहाज को बंधक बनाया और उससे भागने की कोशिश करने लगे। उग्रवादियों ने कई नागरिकों को बंधक बनाया, जिसमें मालदीव के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनकी पत्नी भी थे। इस जहाज ने जैसे ही पोर्ट छोड़ा, भारतीय सेना को भनक लग गई। इस पर गोलियां दागी जाने लगी, रॉकेट छोड़े गए, लेकिन जहाज फायरिंग रेंज से बाहर निकल चुका था। यह जहाज मालदीव की सरकारी शिपिंग कंपनी का था। इसका नाम था MV प्रोग्रेस लाइट और इसके कप्तान थे जय देवगन। उग्रवादियों ने उन्हें धमकाया कि अगर वह उनके मुताबिक नहीं चले तो वो मार दिए जाएंगे। 70 से 80 उग्रवादियों को लेकर MV प्रोग्रेस समुद्र की लहरों पर दौड़ने लगा। उसका पहला ठिकाना था सुमात्रा, लेकिन इस बीच उग्रवादियों और श्रीलंका की सरकार के बीच बातचीत हुई और जहाज को श्रीलंका के पश्चिमी तट पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन कैप्टन जय देवगन ने भांप लिया था कि उनका पीछा किया जा रहा था। उग्रवादियों के पीछे लगे थे भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और INS बेतवा। इस बीच नई दिल्ली को खुफिया रिपोर्ट मिली कि श्रीलंका इस जहाज को अपनी सीमा में घुसते ही डुबो देगा। उसके लिए इतना ही काफी था कि जहाज पर तमिल उग्रवादी सवार थे। इस सूचना ने भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि इससे कई मासूमों की जान भी चली जाती। तो पीछा करने के साथ साथ उग्रवादियों से बातचीत भी चलती रही। हालांकि जो उग्रवादी थे वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। 6 नवंबर को बातचीत का आखिरी दौर था। श्रीलंका काफी करीब था और उग्रवादी बातें नहीं मान रहे थे। ऐसे में 7 नवंबर को तड़के आखिरी रास्ता अपनाया गया। MV प्रोग्रेस लाइट पर फायरिंग कर दी गई। इसमें कई उग्रवादी मारे गए। क्रॉस फायरिंग में कुछ क्रू मेंबर्स की भी जान चली गई। मालदीव के मंत्री के पैर में गोली लगी, बाद में उनका भारत में इलाज हुआ। जो उग्रवादी बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त MV प्रोग्रेस को हमेशा के लिए डुबो दिया गया। इस आखिरी जंग के साथ मालदीव पूरी तरह सुरक्षित था। राष्ट्रपति गयूम के आग्रह पर इंडियन आर्मी करीब 1 साल तक वहां रही, ताकि फिर से कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर ना देख सके। MV प्रोग्रेस लाइट के कप्तान जय देवगन को खुद रक्षा मंत्री PV नरसिम्हा राव ने कॉल किया और उनकी तारीफ की, लेकिन साथ में सलाह भी दी कि वो इस मामले में किसी को कुछ न बोले। समुद्र में चले सैन्य ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी सरकार नहीं चाहती थी कि बाहर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।